हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्स जो आपका रिवीजन के लिए चल रहा है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी जनसंख्या घनत्व है वो क्या होता है कि पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व है वो कहा जाता है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है यानी जो जनसंख्या घनत्व है जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी है नॉर्मली यह प्रति वर्ग किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर में इसको व्यक्त है वो किया जाता है। विश्व का अगर हम बात करें विश्व के पॉपुलेशन डेंसिटी की तो विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 38 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है यानी पूरे विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है वो 38 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व अगर हम अब तो ये तो 38 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखो ये तो है वर्ल्ड का। अगर हम बात करते हैं कि भारत का औसत जनसंख्या घनत्व यानी एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है कि भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण अभी बात हो रही है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वर्ल्ड में कि दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमश पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो दक्षिण मध्य एशिया और उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज्यादा पाई जाती है और वर्ल्ड में 38 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पाई जाती है। और अगर हम भारत की बात करते हैं भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पाई जाती है और इंडिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है वहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पाई जाती है। उसके बाद आता है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं कि किन कारणों की वजह से कहीं जनसंख्या है वो ज्यादा पाई जाती है कहीं जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। उसमें फर्स्ट आता है आपका फिजिकल फैक्टर यानी भौतिक कारक। भौतिक कारकों में पहला आता है स्थलाकृति कि लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में क्योंकि पर्वतों और पठारों पर क्या होता है कि उबड़ खाबड़ धरातल होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो थोड़ी हार्ड होती हैं तो लोग पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद है वो करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र जो मैदानी क्षेत्र हैं खेती विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते है। जो मैदानी क्षेत्र है वो खेती के लिए विनिर्माण के लिए और सेवाओं की जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए मैदानी क्षेत्र है वो उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान ठीक है विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है। गंगा के जो मैदान है वो विश्व के सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्र में काउंट होते हैं। इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं धरातल है वो समतल पाया जाता है सिंचाई सुविधाएं हैं इसलिए यहाँ पर ज्यादा लोग रहना है वो पसंद करते हैं। जबकि एंडीज पर्वत आल्प्स पर्वत और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। एंडीज पर्वत आल्प्स पर्वत और हिमालय है यहाँ पर विरल यानी कम जनसंख्या है वो निवास करती है क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस हार्ड हैं उबड़ खाबड़ धरातल पाया जाता है जिससे खेती करना यहाँ पर काफी मुश्किल है इसलिए यहाँ पर कम लोग रहना है वो पसंद करते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है आपका जलवायु कि जो क्लाइमेट है वो भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करती है जलवायु है वो भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है कि लोग ऐसी जलवायु में रहना ज्यादा पसंद करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है या स्वास्थ्य के अनुकूल है और जो जलवायु स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है ऐसी जलवायु में कम लोग रहना है वो पसंद करते हैं। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा
मरुस्थल, ठीक है, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं, कि लोग ऐसी जलवायु में रहना पसंद करते हैं ना तो ज्यादा अत्यधिक गर्म हो ना अत्यधिक ठंडी हो, मिडल की हो, जो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहे ऐसी जलवायु में रहना है वो लोग पसंद करते हैं। गर्म जलवायु की, जैसे सहारा में गर्म जलवायु पाई जाती है तो वहां पर बहुत कम लोग निवास करते हैं, अंटार्कटिका वहां पर ठंडी जलवायु पाई जाती है, बर्फ की चादर बिछी हुई है, इसलिए वहां पर बहुत कम लोग हैं वो रहना पसंद करते हैं। उसके बाद आता है आपका मृदा, उपजाऊ मृदा कृषि के लिए, कि जो फर्टाइल सोइल है वो कृषि के लिए उपयुक्त यानी अच्छी भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांग ही चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र है, कि जो मृदा है वो भी पॉपुलेशन डेंसिटी को या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करती है, क्योंकि उपजाऊ मैदानों में या उपजाऊ मृदा में खेती है वो अच्छी होती है, वहां पर रोजगार के अवसरों का सृजन है वो ज्यादा होता है, इसलिए उपजाऊ मैदान है वो संघन बसे हुए क्षेत्र हैं, जैसे भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन का हवांग ही और जियांग चांग, और नील नदी का, मिस्र में नील नदी का जो मैदान है वो ज्यादा संघन बसे हुए क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर कृषि की दशाएं हैं वो अच्छी हैं, फर्टाइल सोइल है, सिंचाई की सुविधाएं हैं, एग्रीकल्चर है वो अच्छी होती है, इसलिए वहां पर ज्यादा जनसंख्या है वो निवास करती है। अब नेक्स्ट है जल, यानी जल भी है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, कि जहां मीठा जल उपलब्ध होता है वहां पर ज्यादा जनसंख्या है वो निवास करती है, और जहां पर खारा पानी होता है वहां पर कम पॉपुलेशन है वो निवास करती है। आपने अगर पहले पढ़ा हो तो आपने देखा हो कि क्या है कि जो पुरानी सभ्यताएं हैं, जैसे हिंदू घाटी सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यताएं हैं हड़प्पा संस्कृति, क्या है कि नदी घाटों के किनारे ही विकसित हुई, क्योंकि वहां पर उनको पीने के लिए मीठा पानी मिल जाता था और खेती के लिए भी पानी है वो उपलब्ध हो जाता था, इसलिए जल है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं, यानी लोग उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। अलवणीय जल मतलब मीठा जल, खारा पानी नहीं, मीठा पानी आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, कि विश्व की जो नदी घाटियां हैं वो घने बसे हुए क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं, क्योंकि मरुस्थलों में पानी है, पानी की कमी रहती है, इसलिए मरुस्थल है वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है, वहां पर बहुत कम जनसंख्या है वो निवास करती है। नेक्स्ट आता है खनिज, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं, जैसे भारत में रानीगंज, जरिया, जमशेदपुर, यहाँ पर खनिज निक्षेप है वो ज्यादा पाए जाते हैं, छोटा नागपुर का क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या है वो ज्यादा निवास करती है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान, जोहान्सबर्ग की बात हो रही है, कि जोहान्सबर्ग में हीरे की खान है वो पाई जाती है, कि दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खाने और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने, कि वहां पर तेल की खोज, तेल मिलने से इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि जो ये जहां पर खनिज निकाले जाते हैं या तेल की खोज हुई है, ऐसे क्षेत्र में लोगों को रोजगार है वो मिल जाता है, और धीरे धीरे करके वहां पर पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा लोग उस क्षेत्र में रहना है वो पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर उनको इनकम के या रोजगार के अवसर हैं वो प्राप्त होते हैं और आर्थिक कमाई है वो होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जहां पर खनिज, और जैसे खनिजों बात करें हम, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये निक्षेप खनिज, कोयला पेट्रोलियम के निक्षेप है या खनिज निकाले जाते हैं जहां पर खनन का कार्य चलता है, ऐसे क्षेत्र में ज्यादा लोग रहना है वो पसंद करते हैं और ज्यादा पॉपुलेशन है वो पाई जाती है। उसके बाद आता है कि सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, कि सामाजिक सांस्कृतिक और जो आर्थिक कारक हैं वो भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित है वो करते हैं। जैसे आर्थिक कारकों में आता है औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार के अवसर है वो प्रदान करते हैं, कि कोई भी जैसे औद्योगिक क्षेत्र जहां पर ज्यादा उद्योग लगे हुए हैं, ज्यादा उद्योग होने के कारण उनमें ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती है, इसलिए वो ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वहां पर जनसंख्या है वो ज्यादा पाई जाती है, कि रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में
इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं और लोग बड़ी क्षेत्र में इन क्षेत्रों की और लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर अट्रैक्ट होते हैं। जैसे जापान में ओसाका, सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र है ओसाका, ठीक है, इसलिए वहां पर ज्यादा जनसंख्या है, वो निवास करती है। भारत में मुंबई, मुंबई है वो भारत की आर्थिक राजधानी है, कहलाता है। भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र है। उसके बाद आता है आपका सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान, यानी वो स्थान जो धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से ज्यादा महत्व रखते हैं, स्थान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे भारत में वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी, इसके कुछ उदाहरण हैं, क्योंकि धार्मिक महत्वता रखते हैं ये स्थान, इसलिए इन क्षेत्रों में ज्यादा जनसंख्या है वो निवास करती है। इसके बाद आता है आपका सामाजिक कारक, यानी अच्छे आवास, जहां पर रेजिडेंशियल फैसिलिटी अच्छी हो, आवासीय क्षेत्र अच्छा हो, शिक्षा, ठीक है, और स्वास्थ्य सुविधाओं यानी मेडिकल फैसिलिटी हो, लोग उन क्षेत्रों में रहना है वो ज्यादा पसंद करते हैं। और उदाहरण के लिए पुणे, ठीक है, पुणे है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए भी अच्छा है और आवासीय क्षेत्र के रूप में भी अच्छा है, इसलिए पुणे है, वहां पर ज्यादा जनसंख्या है वो पाई जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पाई जाती है। इस प्रकार भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक हैं वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं।